नमस्ते दोस्तों, धर्मज्ञान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव पुराण में ऐसी कई कहानियों का उल्लेख मिलता है जिनका संबंध वर्तमान की चीजों से है। आज हम आपको उस जगह के बारे में बताएंगे जो भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित कामेश्वर धाम वह स्थान है जहाँ शिव जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। इसी कारण इस जगह का नाम कामेश्वर धाम पड़ा। आज भी यह स्थान भक्तों की आस्था का केंद्र है और दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। माना जाता है भगवान शिव ने यहाँ कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, इस वजह से इस जगह को कामेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। राजा दक्ष ने जब महायज्ञ में भगवान शिव और सती को निमंत्रित नहीं किया तो माता सती ने इसे अपमान समझा और राजा दक्ष के महल में हवन कुंड में जाकर आत्महत्या कर ली। माता सती के शरीर के नष्ट हो जाने पर विष्णु जी सहित सभी देवता शिव जी से शांत होने की विनंती की। इस पर शिव परम शांति की प्राप्ति के लिए गंगा और तमसा नदी के संगम पर समाधि ले लेते हैं। वहीं सती पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेती है और भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें पति के रूप में मांगती है। भगवान शिव पार्वती से विवाह तो कर लेते हैं किंतु उनके मन में मोह या प्रेम की भावना नहीं आती। उधर राक्षस तारकासुर ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वर मांग लेता है कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। वरदान मिलते ही वह स्वर्ग पर आधिपत्य का प्रयास करने लगता है और सभी देवताओं को हानि पहुंचाने लगता है। राक्षस का वध करने के लिए शिव और पार्वती का मिलन कराना बहुत जरूरी था, जिस वजह से सभी देवता कामदेव को अपना सेनापति नियुक्त करके भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं। कामदेव तपस्या में लीन शिव के ऊपर पुष्प बाण चलाते हैं, इससे शिव की तपस्या भंग हो जाती है और क्रोध के कारण उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे आम के वृक्ष के पीछे छिपे कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। शिव पुराण में वर्णित इस कथा के साक्ष्य के तौर पर हम आज भी कामेश्वर धाम में वह आम का आधा जला हुआ पेड़ देख सकते हैं, जिसके पीछे कामदेव छिपे थे और जलकर भस्म हो गए थे। एक अजय वृक्ष की तरह यह पेड़ आज भी खड़ा है। कालांतर में कई राजाओं और मुनियों की तपस्थली रहा है यह कामेश्वर धाम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ यहाँ आए थे। दोस्तों, आगे भी इसी रोचक कहानी सुनने और देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।